ब्लैक एडम और सुपरमैन डीसी यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स है, जहां सुपरमैन एक एलियन बींग है और अर्थ पर आने के बाद येलो सन के रेडिएशन के कारण उसकी पावर्स काफी ज्यादा एनहांस हो जाती है। तो वही ब्लैक एडम की पावर्स मैजिक से जुड़ी हुई है। तो क्या ब्लैक एडम सुपरमैन को हरा सकता है, और अगर इनके बीच फाइट होती है तो उस फाइट का विनर कौन हो सकता है? तो यहाँ पर हम इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स और पावरफुल मूवमेंट्स को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। ब्लैक एडम को उसकी पावर्स इजिप्शियन विजर्ड से मिली हुई है। ब्लैक एडम के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाइट, जीनियस लेवल इंटेलिजेंस, मैजिकल लाइटनिंग और थंडर कंट्रोल जैसी पावर्स है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक्सपर्ट है। सुपर पंचेज और हीलिंग फैक्टर जैसी पावर्स भी ब्लैक एडम के पास है। अगर अब भी आपको लगता है कि ब्लैक एडम ज्यादा स्ट्रांग नहीं है सुपरमैन से कंपेयर करने के लिए, तो ब्लैक एडम अपने पावरफुल पंचेज से कई सारे सुपर हीरोज और सुपर विलन्स के हार्ट तक को उनकी बॉडी से बाहर निकाल चुका है। एक बार फ्लैश के साथ हुई फाइट में फ्लैश को ब्लैक एडम को पंच करने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था, इतनी ज्यादा स्पीड है ब्लैक एडम की। डॉक्टर फेट के पावरफुल लाइटनिंग अटैक, जो कि मोस्ट पावरफुल अटैक है डॉक्टर फेट का, उससे भी ब्लैक एडम को कुछ भी फर्क नहीं हुआ था। पूरी सजेम फैमिली से अकेले ही फाइट कर चुका है। सुपरमैन या सजेम की तरह वो अपने पंचेज को पुल नहीं करता है, बल्कि वो अपने ओपोनेंट को मारने के लिए कंटिन्यूसली पंच करते रहता है। एक बार तो उसने डेथ को भी मार मार कर डेथ के निकट पहुंचा दिया था। मार्शन द मैनहंटर जैसा पावरफुल कैरेक्टर जो कि माइंड रीड कर सकता है, उसे भी ब्लैक एडम ने खुद का माइंड रीड करने के लिए फोर्स कर दिया था। टेरामैन को पब्लिकली बीच में से फाड़कर दो टुकड़े कर दिए थे। वर्ल्ड वॉर 3 के टाइम उसने एक पूरे के पूरे नेशन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। सुपरमैन से भी फाइट की हुई है उसने, और एक बार तो थोड़े टाइम के लिए सुपरमैन को भी एक फाइट में नॉकआउट कर दिया था। उसके पंचेज की स्ट्राइक फोर्स उस एस्ट्रॉइड जितनी पावरफुल है, जिसके स्ट्राइक से डायनासोर का वजूद ही अर्थ से खत्म हो गया था। तो आप सोच ही सकते हैं कि उसके पंचेज कितने ज्यादा पावरफुल है। अब ब्लैक एडम के बाद अगर बात करें सुपरमैन की, तो सुपरमैन एक क्रिप्टोनियन है, जिसे अर्थ पर आने के बाद अर्थ के येलो सन के रेडिएशन के कारण काफी सारी पावर्स मिलती हैं, और उसकी एग्जिस्टिंग पावर्स भी काफी ज्यादा अपग्रेड हो जाती है। सुपरमैन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाइट, एक्सरे विजन, हीट विजन, सुपर ब्रीथ, फ्रीजिंग ब्रीथ, सुपर सेंसेस जैसे कि स्मेल और हियरिंग, सुपर स्पीड और हीलिंग फैक्टर जैसी पावर्स मिलती है। सुपरमैन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर सकता है, हीट विजन से भी किसी भी ऑब्जेक्ट को कट और मेल्ट कर सकता है, और स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है। सुपरमैन 200 क्विंटिलियन टन तक का वेट लिफ्ट कर चुका है। कॉमिक्स में एक बार अर्थ के वेट को 5 डेज तक लिफ्ट किया हुआ था, वो भी बिना किसी परेशानी के। गैलेक्सी ऑफ वर्ल्ड्स को एक साथ खींचकर ड्रैग कर चुका है। इनफिनाइट वेट और मास लिफ्ट कर चुका है। उसके पंचेज इतने हैवी और पावरफुल है कि वो यूनिवर्सल बैरियर को भी ब्रेक कर सकते हैं। सन के कोर तक जा सकता है। इवन कॉमिक्स में तो सुपरमैन ने सन को भी मूव किया हुआ है। एक ब्लैक होल के जितनी पावर सुपरमैन के पंचेज में है और सुपरमैन के हाथों में है। कॉमिक्स में सन को डिस्ट्रॉय भी कर चुका है। एक बार तो अपनी स्निद से पूरी की पूरी गैलेक्सी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। अर्थ को भी मूव कर चुका है। ग्रीन लैंटर्न के पावरफुल कंस्ट्रक्ट को भी वो कई बार ब्रेक कर चुका है। एक बार एक जाइंट ऐप को टाइम के थ्रू बहुत दूर तक फेंक चुका है। तो ब्लैक एडम और सुपरमैन की पावर्स, एबिलिटीज और पावरफुल मूवमेंट्स के बाद अगर इनके फाइट की बात की जाए, तो यहाँ पर सुपरमैन के जीतने के चांस ज्यादा होंगे, क्योंकि ब्लैक एडम भले ही स्ट्रॉन्गेस्ट है और सुपरमैन को नॉकआउट भी कर चुका है, ब्लैक एडम सुपरमैन को फाइट में एक अच्छी टक्कर दे सकता है और सुपरमैन को काफी ज्यादा इंजर्ड भी कर सकता है। और ब्लैक एडम के पास मैजिकल पावर्स भी है, लेकिन फिर भी स्ट्रेंथ और स्पीड के बेसिस पर सुपरमैन ब्लैक एडम से काफी ज्यादा आगे है। तो यहाँ पर ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन की फाइट में मेरी चॉइस सुपरमैन है, क्योंकि सुपरमैन एक हीरो है और ब्लैक एडम एक एंटी हीरो है। जहाँ ब्लैक एडम अपने वर्ल्ड वॉर 3 के टाइम पूरे नेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो वही सुपरमैन सिर्फ अपनी स्नीज से पूरे के पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर चुका है। जहाँ ब्लैक एडम के पंचेज से वो अपने ओपोनेंट के विलन्स और सुपर विलन्स के हार्ट को उनकी बॉडी से बाहर निकाल चुका है, तो वही सुपरमैन के पंचेज में और उसके हाथों में एक ब्लैक होल के जितनी पावर्स है। सुपरमैन के पंचेज इतने ज्यादा पावरफुल है कि वो यूनिवर्सल बैरियर को भी ब्रेक कर चुके हैं।
तो यहाँ पर स्ट्रेंथ और स्पीड की भी अगर बात करें तो ब्लैक एडम से ज्यादा आगे होगा सुपरमैन। इसीलिए यहाँ पर मेरी चॉइस ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन में फाइट के विनर के लिए सुपरमैन होगा। वैसे आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है और इनकी फाइट का विनर कौन हो सकता है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ऐसे ही और वीडियोज और शोडाउन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे ही और वीडियोज लेकर आते रहूंगा। ब्लैक एडम वर्सेज रियोन किंग थॉर का शोडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो पर और इकरिस थॉर होमलैंडर और सुपरमैन का शोडाउन देखने के लिए नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करके चेकआउट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।